गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर बीके कुंदन एंड आप सभी का शॉर्ट एंड स्वीट केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। आज से हम अपने अपकमिंग सीएसआईआर नेट गेट एंड आईआईटी जेम एग्जाम को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, टेस्ट पेपर कह सकते हैं या मॉडल पेपर हम इसे कह सकते हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। अगर टेस्ट सीरीज सही से सॉल्व हो जाए तो काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में एंड हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट हमारे लिए क्लियर हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 20 टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे एंड हर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पार्ट वाइज, यानी कि पार्ट ए के क्वेश्चन, पार्ट बी के क्वेश्चन एंड पार्ट के क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन करवाऊंगा। एट प्रेजेंट टाइम हम पार्ट ए एंड पार्ट सी, पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आई होप आप सभी व्यूअर को ये काफी पसंद आएगा। तो चलिए चलते आज के हमारे टेस्ट पेपर के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट हमारे पास रहेगा केमिकल साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ए हम स्टडी कर रहे हैं। दिस वन इज पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 21 to 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 31 से 43 तक। ओके, क्वेश्चन 31 to 43 तक हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये 31 क्वेश्चन है, देन आफ्टर लेफ्ट साइड में आपके पास 32 है, 36, दिस वन इज 33, 37, 34, 35 एंड 37 की बात करूँ तो ये आपका राइट साइड में आएगा, दिस वन इज 37, दिस 38, दिस वन इज 39, SOCl2 इसमें दे रखा है, दिस वन इज 40, दिस वन इज 41, 42, 43 एंड 44 तक हम सॉल्व करेंगे और बाकी के जो आपके दे रखे दिस 45, 46, 47, 48, 49, 50 ये सारे NMR से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है एंड 51। तो क्योंकि हम लोग टेस्ट फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं तो इसमें सारे कुछ बेसिक कंसेप्ट ही हमें देखने को मिलेंगे, हम हाई लेवल के क्वेश्चन को इस टेस्ट फर्स्ट के अंदर स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 31, इसे देख लेते हैं क्या है 31 के अंदर। देखिए क्वेश्चन 31 में आपको दिया है एक चेयर कंफर्मेशन के अंदर आपको एक सब स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें आपके पास ये लॉकिंग ग्रुप दे रखा है, लॉकिंग ग्रुप को मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस इज टर्ब्यूटिल। अगर मैं इस चेयर कंफर्मेशन को साइकिल में ड्रॉ करूँ तो साइकिल में समथिंग लाइक इस टाइप से रहेगा ये लॉकिंग ग्रुप। अब आप इक्विटोरियल है तो ये आपका आएगा दिस वन लॉकिंग ग्रुप, फिर है आपका 1 2 3 4, फोर नंबर पे आपका BR है तो 1 2 3 एंड 4, फोर नंबर पे BR इक्विटोरियल पे और वो डाउन द फेस है तो ये रहेगा आपका डॉटेड पे। ओके, ये BR हो गया। अब अगर आप किसी भी लाइक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाते हो, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा सोडियम मिथॉक्साइड से, आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा मिथॉक्साइड और सोडियम प्लस, तो आपका मिथॉक्साइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल रहता है चेयर कंफर्मेशन में एक्सियल अटैक प्रेफर्ड करते हैं, एक्सियल अटैक प्रेफर्ड करते हैं। अब ये एक्सियल अटैक प्रेफर्ड कर रहा है तो कहाँ पर अटैक करेगा, मैं वापस से आपके पास ड्रॉ कर देता हूँ, दिस वन इज आपके पास रहेगा आपका
चेयर कंफर्मेशन, ये आपका लॉकिंग ग्रुप टर्म ब्यूटिल इक्विटोरियल पे, ये आपका दिस वन इज लिविंग ग्रुप आपका इक्विटोरियल के ऊपर है। और अब आपका मेरे पास रहेगा जो न्यूक्लियोफाइल है एम ई ओ नेगेटिव, ये आपका एक्सियली अटैक करेगा, इसे एक्सियल पोजिशन से अटैक करवाएंगे और आपका इक्विटोरियल बी आर आपका बाहर। तो जो न्यू कंपाउंड मेरे पास देखने को मिलेगा वो आपका समथिंग इस टाइप से रहेगा। ये एक्सियल पे इसके आएगा अब ओ एम ई एंड इक्विटोरियल वन नंबर पोजिशन पे आपके पास लॉकिंग ग्रुप है। तो ये अब हम इसे नेम दे देते हैं, दिस वन इज 1 2 3 4, मीन्स हमारे पास जो रिलेशन देखने को मिला 1 4, ये आपका इक्विटोरियल है इक्विटोरियल, ये आपका एक्सियल। तो 1 4 एक्सियल कैसा रिलेशन होता है, दोनों के दोनों अबाउ द प्लेन आएंगे। मीन्स अगर मैं इसे चेयर से साइक्लिक फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास इस टाइप से रहेगा, वन नंबर पे अबाउ द प्लेन आपके पास लॉकिंग ग्रुप दिस वन 2 3 एंड 4, फोर नंबर पे हमारे पास क्या है ओ एम ई दिस ओ एम ई अबाउ द प्लेन। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बना, राइट आंसर जो मैच कर रहा है हमारे दिए गए ऑप्शन से उसमें है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है, मैं हाईलाइट करता हूँ इसे, ऑप्शन 2 दिस एंड दिस। ओके चलिए, ये तो था क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्या पूछा है देख लेते हैं, आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देखिए। देखिए इसमें आपके पास ये स्टैटिक मॉलिक्यूल दे रखा है, दिस वन इज बेंजीन के अल्फा एंड बीटा पोजीशन पर बीआर है। फिर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है, जब भी एसिड दे रखा है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके पास क्या है प्लस चार्ज बनने वाला है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में। तो जो पहले आपको दे रखा है दिस वन, ये आपके पास बेंजीन, देन दिस पर्टिकुलरली बी आर। अब H2SO4 है, ये क्या देगा, डायल्यूट H2SO4 है, H प्लस आयंस देगा, ये H प्लस आयंस सॉल्यूशन के अंदर है। अब लोन पेयर ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास कितने लोन पेयर है 3, इनमें से एक लोन पेयर H प्लस को गिव करेगा और क्या बना देगा HBr बना देगा। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा दिस पर्टिकुलरली, दिस वन इज बी आर एच और ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बी आर एच एसिड जो गुड लिविंग ग्रुप रहता है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास मिलेगा कार्ब कैटायन। कैसा कार्ब कैटायन मिलेगा, सेकेंडरी कार्ब कैटायन आपको देखने को मिलेगा। देख लेते हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस एच बी आर जो कि गुड लिविंग ग्रुप था, एच बी आर आपका इसलिए बाहर निकल गया। अब ये जो कार्ब कैटायन बना है ये कैसा है, सेकेंडरी कार्ब कैटायन है। अब सेकेंडरी कार्ब कैटायन आपका लेस स्टेबल होता है ना, इसमें क्या अभी ये बेंजिलिक कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए इस बेंजिलिक पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है दिस, ओके। तो अब हमारे पास क्या रिएक्शन होगी, हमारे पास एक रिएक्शन होगी, इसका नाम है 1 2 H शिफ्ट। क्या नाम था, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। इससे क्या होगा, जो सेकेंडरी कार्ब कैटायन है वो टर्सरी सेकेंडरी कार्ब कैटायन बेंजिलिक कार्ब कैटायन में बदल जाएगा जो कि मोर स्टेबल होगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में दिस एच जो कि अभी बेंजिलिक पोजीशन पर है वो यहाँ से हटके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और प्लस आपका बेंजिलिक पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका बन गया दिस पर्टिकुलरी, मैकेनिक में बना लेते हैं दिस वन। एंड ये आपका आप चाहें तो अल्फा बीटा भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और जो इस पोजिशन के ऊपर आपके पास आया एच, एच ऊपर से गया था वो यहाँ पे आया और एक एच तो यहाँ था ही। तो ये बन गया आपका बेंजिलिक कार्ब कैटायन, बेंजिलिक कार्बो कैटायन, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास जो आपके सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 है ये मोर स्टेबल बन गया, H2SO4 है न्यूक्लियोफाइल कोई दे नहीं रखा तो उससे आपको मिला आपको HSO4 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे HSO4 नेगेटिव। ये क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देगा, ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को गेन करेगा, देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और आपको मिल जाएगा
एलिमिनेटेड प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन, सॉरी अल्फा एंड बीटा के बीच में अब आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। तो ये मिल गया आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये अल्फा पोजिशन, ये बीटा पोजिशन, तो अल्फा बीटा के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, दिस वन डबल बॉन्ड। तो इससे मैच करता है वो ऑप्शन कौन सा दे रखा है कि बेंजीन के बाद जस्ट अल्फा बीटा के ऊपर डबल बॉन्ड हो। ऑप्शन नंबर राइट करते हैं, दिस ऑप्शन फर्स्ट में तो आपके पास अल्फा बीटा पे OH रॉन्ग आंसर हो गया, ये भी रॉन्ग, OH वाला रॉन्ग। हाँ, ऑप्शन थ्री में अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और ऑप्शन फोर में अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो राइट आंसर आपके पास क्या रहने वाला है, राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन फोर। ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। 33 में जो आपको दे रखा है उसे देख लेते हैं एक बार। ओके, देखिए 33 में आपको दिया है, ये है आपके पास स्टैटिक मॉलिक्यूल एंड एरो के ऊपर आपको दे रखा है दिस इज वीक बेस। ओके, और DCM आपके पास है सॉल्वेंट। तो क्या होगा आपके पास, वीक बेस मोर एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मोर एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को अगर एनालाइज करें तो जहाँ पे दो pH बाइंड है, जिस कार्बन के साथ बाइंड है उसी के ऊपर एक वैलेंसी खाली है जो हाइड्रोजन से फुलफिल होती है, ये हाइड्रोजन जो है वो मोर एसिडिक है। आपका जो K2CO3 है, K2CO3 ये क्या करेगा, इस H को एलिमिनेट करेगा, गेन करेगा, ओके, एब्स्ट्रैक करेगा, तो आपके पास बनेगा कार्बेनियन जो कि मोर स्टेबल होगा। देख लेते हैं कैसे बना, मैं इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेता हूँ। आफ्टर द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, जो ये कार्बन है इसके ऊपर यहाँ पे एक बेंजीन रिंग आपको दिखाई देगी ऊपर की साइड में, ओके, और यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग है। pH को मैंने ओपन कंडीशन में लिखा है, ठीक, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये आपका रहा इस आयोडीन। अब ये नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, मोर स्टेबलाइज भी है, क्यों, क्योंकि ये जो है वो दो जगह आपका रेजोनेंस कर सकता है, इस रिंग के ऊपर भी जा सकता है और इस रिंग के ऊपर भी जा सकता है, ठीक, इसलिए मैं इसे अभी हटा देता हूँ, स्टेबलाइज है ये। अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में, अभी आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल तो दे नहीं रखा, इसका आपको अटैक करवाना है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कार्बन कार्बन बॉन्ड में और ये आयोडीन गेट बाहर, तो ये जो प्रोडक्ट है वो है आपका E2 एलिमिनेशन टाइप का प्रोडक्ट आपको रहेगा। क्या रहेगा आपका, E2 एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन टाइप का प्रोडक्ट है एलिमिनेशन, और आपके पास बन जाएगा। अब मैं pH को pH लिखता हूँ, दिस दूसरा pH, ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस दिस, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। इस टाइप का प्रोडक्ट कौन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग आंसर, ऑप्शन टू रॉन्ग आंसर, ऑप्शन थ्री में भी डबल बॉन्ड तो दे रखा है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजिशन अलग है, तो ये भी रॉन्ग। ऑप्शन फोर हमारा मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन फोर हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। 34 में आपके पास दे रखा है, ये है टर्सरी अल्कोहल है और बेंजिलिक अल्कोहल भी और H प्लस दे रखा है, तो वेरी नाइस। सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। H प्लस को क्या होगा, जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या करेंगे, H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे और आपको क्या बना देंगे, H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास जो बनेगा वो आप राइट लेफ्ट साइड में देखेगा, कार्बोकैटायन किस टाइप से बनेगा वो भी देखेंगे हम। दिस पर्टिकुलरली ये वन, ये बन गया आपके पास OH2+। नेक्स्ट स्टेप में दिस OH2+ गेट एलिमिनेट, आपका बाहर निकल जाएगा और आपके पास अब रहेगा बेंजिलिक प्लस टर्सरी कार्बोकैटायन। ओके, ये आपका दिस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया आपका बेंजिलिक, दो टाइप के बहुत ही स्टेबल आपका कार्बोकैटायन बन गया, बेंजिलिक प्लस टर्सरी कार्बोकैटायन आपके पास देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपके पास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है तो न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक होगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं दे रखा मीन्स ये H प्लस कहाँ से मिला होगा, H प्लस आयन आपको मिला होगा H2SO4 से,
H2SO4 से मिला है तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या रहेगा आपके पास, कॉन्जुगेटेड बेस होगा HSO4 नेगेटिव। अब ये HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। जहाँ पे कार्बोकैटायन बना है उसके नेबर में देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ओके। अब ये जो आपका HSO4 नेगेटिव है इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और आपके पास क्या मिल जाएगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन मिलेगा। तो ये आपके पास बेंजीन रिंग, दिस पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड दिस वन एंड ये, तो ये मिल गया आपका प्रोडक्ट, ओके। तो मैच कर लीजिए प्रोडक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो आपके पास प्रोडक्ट है वन नंबर का ऑप्शन प्रोडक्ट नहीं है, टू नंबर ये भी प्रोडक्ट नहीं है, थ्री में डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग दे रखी है, फोर आपका एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फोर, एग्जैक्ट मैच आपका फोर नंबर कर रहा है। चलिए 35 में देख लेते हैं, 35 में आपके पास ये हमारे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के रूप में दिस वन दे रखा है मॉलिक्यूल। अगर मैं इसे एनालाइज करूँ तो OTS मेरे पास है, OTS क्या रहता है माई डियर, OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, GLG गुड लिविंग ग्रुप है। LDA क्या है मेरे पास, अब LDA के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, LDA इज ए बल्काइल बेस, LDA मीन्स लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमीन, दिस वन इज N के साथ आपके पास IPR दो मॉलिक्यूल है और ये आपके पास रहेगा लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमीन, तो ये लिथियम 30 ये आपके पास रहता है बल्काइल बेस, बल्काइल बेस क्या करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, ओके। अब देखिए जो OTS जिस कार्बन से अटैच है उसके दो साइड के ऊपर आपके पास कार्बन रहेंगे, एक आपको मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से जो कि राइट साइड में, एक आपको हाईलाइट करता हूँ मैं लेफ्ट साइड के अंदर जिसे एक्वा कलर से मैंने हाईलाइट किया है। तो जो ग्रीन साइडेड प्रोटॉन है वो आपके लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है जहाँ पे क्राउडिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो LDA क्या करेगा, इन प्रोटॉन में से किसी एक को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो मान लीजिए इस प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, आपके पास अब जो बनेगा वो आपका दिस वन बनेगा, तो इसे मैं राइट डाउन करता हूँ यहाँ पे दिस पर्टिकुलरली, ओके दिस वन इज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये आपका OTS और ये दो मिथाइल ग्रुप। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे अटैक कर देगा, OTS आपका गेट बाहर, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, तो ये मिल गया आपके पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, दिस वन टर्मिनल पे डबल बॉन्ड दिस, तो आपके पास है ऑप्शन नंबर फोर राइट मैच, ऑप्शन नंबर फोर नहीं कर रहा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड की पोजिशन अलग है तो ये रॉन्ग कीजिए, ऑप्शन वन की बात करते तो ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन टू LDA आ गया ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन थ्री आपका मैच कर रहा है टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, तो हाईलाइट कर लीजिए ऑप्शन थ्री को, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35, 35 के बाद क्या आएगा 36, तो 36 के लिए मैं पेज को राइट साइड लेता हूँ, 36 ओके। देखिए 36 को अगर मैं देखूं तो ओके 36 भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, आपके पास जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो सेम है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत नहीं, OTS आपका गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे भी दो पोर्शन है, दिस वन इज लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, दिस वन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए एरो के ऊपर अब क्या दे रखा है, एरो के ऊपर दे रखा है डाई आइसोप्रोपिल एमीन, दिस वन इज डाई आइसोप्रोपिल एमीन एंड दिस वन इज एन ब्यूटाइल लिथियम। अब एन ब्यूटाइल लिथियम क्या है, एक बेस है, इसमें क्या करेगा, जो एन ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल नेगेटिव चार्ज, ये आपके मोर एसिडिक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो एट प्रेजेंट है मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन है, हेटेरो एटम से अटैच प्रोटॉन, तो वो है आपके पास नाइट्रोजन से अटैच एच, तो इसको इसने गेन किया, आपके पास क्या मिल गया, आपके पास मिल गया एक तो मिल गया एन ब्यूटेन, ये तो हो गया स्टेबल,
एक मिला दिस डाई आइसोप्रोपाइल दिस एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों कंबाइंड हो गए तो क्या मिल गए, ये मिल गए डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम एमिन दिस वन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं LDA। LDA क्या करता है, LDA करता है लेस सबस्टिट्यूट साइड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट। और यही क्वेश्चन जस्ट हमने 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखा था, उसमें देखिए अब एरो के ऊपर ये जो दो रिएजेंट दे रखे हैं उससे हमारे पास क्या बनेगा LDA। LDA क्या करेगा, ग्रीन कार्बन के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, टर्मिनल पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए टर्मिनल पे डबल बॉन्ड कहाँ है, ऑप्शन वन में नहीं है, ऑप्शन टू में नहीं है, ऑप्शन थ्री में भी नहीं है, ऑप्शन फोर में है। तो यही आपका राइट आंसर है। तो कंफ्यूज करने के लिए इसने थोड़ा सा एरो के ऊपर कंडीशन अलग टाइप से दिया है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे रहेगा, देखिए 37 में पूछा है ऑर्डर ऑफ एस एन टू रिएक्शन। अब देखिए दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एस एन वन एंड एस एन टू। एस एन वन में क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जबकि एस एन टू क्या रहती है, ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन रहती है, ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन बनेगा एसिडिक फॉर्म में, तो अगर जितने ज़्यादा सबस्टिट्यूशन होगा वो उतना ही स्टेबल है। लेकिन SN2 में आपके पास जो कार्बन मॉइटी होनी चाहिए वो लेस सबस्टिट्यूटेड होगी, उतनी मोर रिएक्टिव रहेगी। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ SN2 पूछा है, लेस सबस्टिट्यूटेड मोर रिएक्टिव, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लेस सबस्टिट्यूटेड मोर रिएक्टिव। ओके, इस कंडीशन में जो प्राइमरी कार्बन रहता है वो लेस सबस्टिट्यूटेड रहता है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बन, कंपेयर टू टर्शरी कार्बन। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन किस टाइप से दे रखा है, मॉलिक्यूल नंबर 1, 2 एंड 3 है। मॉलिक्यूल नंबर 1 आपका टर्शरी कार्बन है, मॉलिक्यूल नंबर 2 आपका सेकेंडरी कार्बन है, एंड मॉलिक्यूल नंबर 3 आपका प्राइमरी कार्बन है। और ऑर्डर में आपको मॉलिक्यूल के हिसाब से ऑर्डर दिया है, तो मॉलिक्यूल के हिसाब से देखिए ये वन नंबर वन डिग्री कार्बन कौन सा मॉलिक्यूल है, 3, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 नंबर का मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव रहेगा। फिर 2 डिग्री कार्बन कौन सा मॉलिक्यूल है, 2 नंबर का, तो ये 2 नंबर बीच में रहेगा। और 3 डिग्री कार्बन कौन सा है, 1 नंबर का, तो ये 1 नंबर आपका लास्ट में रहेगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा SN2 रिएक्शन के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर आपका जो रहेगा वो नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। आपका जो ऑप्शन नंबर, अगर आपने गलती से 1, 2, 3 कर दिया, जो कि कार्बन सेंटर मानकर अगर आपने इसे राइट डाउन कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही प्रिसीजन आपको चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, बहुत ही माइनर भूल भी आपका ये क्वेश्चन गलत करवा सकती है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में इसने पूछा है कि एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दिया, एक प्रोडक्ट दे दिया, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में दिस वन आपके पास ओके जो भी है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये गुड लिविंग ग्रुप के रूप में भी ये काम करेगा, दिस OSO3H गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे मैं OSO2PH इसको मैं कह सकता हूँ गुड लिविंग ग्रुप, ओके गुड लिविंग ग्रुप है आपके पास दिस वन। अब ये बोल रहा है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुई है, रिएजेंट एरो के ऊपर कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नो रिएजेंट गिवन। अब हमारे पास दे रखा है SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन या NGP या इंट्रा मॉलिकुलर SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन के लिए डेफिनेटली आपके एरो के ऊपर समथिंग कुछ रिएजेंट चाहिए था, लाइक H+ आयंस दे रखे होते, दे नहीं रहा, इसलिए SN1 रिएक्शन तो आपकी हट गई। SN2 रिएक्शन के लिए आपको कोई न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल देना चाहिए था, तो न्यूक्लियोफाइल भी नहीं दिया एरो के ऊपर, तो ये भी आपकी हो गई क्रॉस। NGP आपका हो सकता है, लेकिन NGP के होने के बाद भी पहला नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर गया, फिर बाद में कोई न्यूक्लियोफाइल एक्सटर्नल देना चाहिए लेकिन नहीं दिया, तो ये भी हो गया आपका क्रॉस। तो बचा क्या, फोर्थ नंबर इंट्रा मॉलिकुलर SN1 रिएक्शन। अब ये कैसे पॉसिबल है उसको देख लेते हैं, इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले चीज में
जो आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, जैसा कि मैंने बताया जीएलजी इज ए गुड लिविंग ग्रुप OSO2, ये आपका विदाउट किसी एक्सटर्नल सोर्स के ही, मैं इसे वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज कीजिए ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, ऐसा क्यों? ये NH2, ओके। अब देखिए, अगर ये पार्ट जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एक्वा कलर से, गुड लिविंग ग्रुप है ये, अगर आपका एलिमिनेट होता है यानी कि बाहर निकलता है, तो आपको बेंजिलिक कार्ब कैटायन प्लस टर्सरी कार्ब कैटायन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? देखने को मिलेगा बेंजिलिक प्लस टर्सरी कार्ब कैटायन। देखिए ये आपका बना, दिस इज 2-methyl, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका NH2 के बीच में एक आपको पास है कार्बन भी है, तो इसे सही से बनाएंगे, ये आपका कार्बन, ये आपका NH2, ओके। और साथ में क्या निकला मेरे पास? OSO2PH, ये था नेगेटिव चार्ज के रूप में निकला। मेरे पास जो अभी बना है मॉइटी, ये आपका क्या है? ये है आपका देखिए, इसे हम कह सकते हैं टर्स बेंजिलिक प्लस टर्सरी कार्बोकैटायन, ओके। इसलिए ये क्या मोर स्टेबल है विदाउट किसी एक्सटर्नल सोर्स के बन जाता। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन यहां पे अटैक करेंगे, 5-member रिंग बन जाएगी आपके पास, तो बना लीजिए 5-member रिंग, दिस वन, दिस नाइट्रोजन, दिस एच नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपके 2-methyl ग्रुप, ये आपका दिस वन। और जो आपका OSO2PH था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा? नाइट्रोजन से अटैच्ड एसिडिक प्रोटॉन को गेन कर लेगा, तो अब आपके पास ओवरऑल क्या मिल जाएगा? दिस वन। ये 2-methyl ग्रुप, ये एच। तो देखिए हुआ क्या, पहले आपके पास इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन के थ्रू बना SN1 रिएक्शन हो रही है, और न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन काम कर रहा है? NH2 काम कर रहा है, तो ये इंट्रा मॉलिकुलर ओवरऑल कौन से रिएक्शन कहलाएगी? इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन, उसमें भी SN1 रिएक्शन, क्योंकि आपको मिल रहा है इंटरमीडिएट। ये क्या है आपके पास? दिस पर्टिकुलर है इंटरमीडिएट, इसलिए हम इसे कह रहे हैं SN1। तो क्या आंसर रहेगा इसका? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हाईलाइटेड विथ ग्रीन, ओके। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हैं। इसमें भी आपके पास एरो के ऊपर जो पहले आपको स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दे रखा है, उसके बाद एरो को अगर मैं एनालाइज करूँ तो वो आपका SOCl2 थायाजिन क्लोराइड, ओके। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा? आपके पास पहले इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे। अब कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपके पास इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, इस आपका कार्बोक्सिलेट आयंस रहेगा, नीचे भी आपके पास इसी टाइप से, ये आपके पास है S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl। फर्स्ट ओपन कंडीशन में मैंने इसे राइट डाउन किया। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आपको यहाँ पे अटैक करेंगे सल्फर के ऊपर, दिस सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन, वापस से क्लोज, और ये Cl आपका बाहर। तो हुआ क्या मेरे पास, एक मेरे पास लिंकेज बन गया। क्या लिंकेज बना? लिंकेज आपके पास ये देखने को मिला कि दिस पर्टिकुलरली दिस ओ, यहाँ पे एच तो था ही, और यहाँ पे आ गया आपके पास एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एल, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जो सी एल नेगेटिव था वो क्या करेगा? सी एल नेगेटिव जो बाहर निकला वो इस एच प्लस को गेन कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो मैं उसे हटा ही देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये गया आपका, ओके। और नीचे आपके साथ क्या जुड़ा हुआ है? नीचे जो आपके पास है वो सेकेंड कार्बोक्सिलेट है,
अब इसके लोन पेयर, अब देखिए मैं एक ग्रुप में हाईलाइट कर रहा हूँ आपके पास दिस पर्टिकुलरली, ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है आपका जो मैंने ग्रुप हाईलाइट किया है, दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप की तरह इसे आपको ट्रीट करना है, गुड लिविंग ग्रुप। ओके, अब लोन पेयर ऑफ सेकेंड कार्बोक्सिलेट आयन, ये वाला, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये कार्बोनिल बॉन्ड आपका ओपन, दिस क्लोज और दिस पूरा का पूरा गेट बाहर। ठीक है, बाहर जाने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, नीचे लाइए, आपके पास लाइक बन जाएगा दिस वन, दिस वन को ओके, और साथ में क्या बना आपके पास, प्लस ओ एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एल नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये बन गया मेरे पास एनहाइड्राइड टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये आंसर रहने वाला है, तो चेक कर लेते हैं कि कौन किस में आपको दे रखा है। ये था क्वेश्चन नंबर 39 में, ये तो ClCl है तो क्रॉस आंसर है, ये आपका एनहाइड्राइड टाइप का बन रहा है तो यही आपका आंसर है, तो इसे आप हाईलाइट कीजिए येलो से, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में मैं अगर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल को हाईलाइट करूँ, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, बायसाइक्लिक रिंग है आपके पास, ये जो पोर्शन है हाईलाइटेड विथ एक्वा कलर, ये आपका क्या है, प्रोटेक्टेड कीटोन, प्रोटेक्शन है, किसका प्रोटेक्शन है, कीटोन का प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये बायसाइक्लिक फ्यूज रिंग है कार्बन 1 एंड 2, 1 के ऊपर अबाउ द प्लेन ओ एम ई है, 2 पे डॉटेड पे एच है, यहाँ पे कार्बोनिल, ये इसके पोर्शन पे एस ई पी है, सेलेनियम फिनाइल है, और आपको पहले स्टेप में दे रखा है एल डी ए, मोर एसिडिक प्रोटॉन को पिक करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन इस सेलेनियम जिस कार्बन से, यहाँ पे आपके पास एक प्रोटॉन है, ये आपका मोर एसिडिक है, और जो डॉटेड पे प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक है, लेकिन ब्रिज वाले पोजिशन से, ब्रिजिंग पोजिशन से आपका का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। ओके, सेकेंड में दे रखा है आपका एल्किलाइटिंग एजेंट, थर्ड H2O2। ओके, तो ये पूरी रिएक्शन साइट है या रिएक्शन कंडीशन है, इसे हम बहुत ही अच्छा नाम है इसका, नाम है इसका पायरोलिटिक, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। इसके बारे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था। तो एलडीए क्या करेगा, पहला स्टेप में एलडीए इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, आपके पास बनेगा इनोलेट। ओके, तो मैं इनोलेट बना देता हूँ फर्स्ट स्टेप में, ये बॉन्ड फिर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये कार्बोनिल ओपन, इनोलेट बन जाएगा। तो मुझे इस पर्टिकुलर फुल मॉलिक्यूल में सिर्फ हाईलाइटेड विथ येलो, येलो हाईलाइटेड पोर्शन पे ही मुझे काम करना है, बाकी जिसे मैंने हाईलाइट नहीं किया वो सेम रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ येलो हाईलाइटेड पोर्शन को ही राइट डाउन करूँगा। ओके, सॉरी, ये दिस वन रहेगा ओ एम ई, ये बन गया आपके पास डबल बॉन्ड, ये आपका ओ नेगेटिव और यहाँ पे था सेलेनियम पीएच। अब आपके पास दे रखा है कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आपको दे रखा है दिस बीआर, दिस पर्टिकुलरी डबल बॉन्ड एंड दिस दिस वन। देखिए, अब ओ एम ई आपका अबाउट द प्लेन है पूरे रिंग में, तो एल्किलेशन कहाँ पे होगा, डॉटेड पे होगा, तो डॉटेड पे एल्किलेशन कराइए, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये आपका डबल बॉन्ड ओपन, ये इसने किया यहाँ पे अटैक और दिस बी आर गेट बाहर, और ये पूरा मॉइटी कहाँ पे आएगा, डॉटेड पे आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओ एम ई बल्क आयन ग्रुप ऊपर है, तो इसे मैं वापस से अगर मैं, सॉरी थोड़ा सा स्पेस रखते हैं हम लोग, अगर मैं इसे यहाँ पे शो करूँ, ये अबाउ द प्लेन आपके पास है, फिर से गलत बना रहे हम, या सही बना रहे हैं, गलत नहीं, ओ एम ई है, ये आपका वेजी बॉन्ड से मैंने इसे अलग किया पोर्शन, ये कार्बोनिल बन गया, डॉटेड पे क्या आएगा, मेरा दिस पर्टिकुलरली बॉन्ड आएगा। ओके, और यहाँ पे अबाउ द प्लेन मेरे पास रहेगा सेलेनियम पीएच। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या यूज में ले रहे हैं, H2O2, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, किसका ऑक्सीडेशन करेगा, हिट्रो एटम का, हिट्रो एटम।
हेटरो एटम कौन है हमारे पास, सेलेनियम, ये सेलेनियम का है। तो अब क्या बन जाएगा मेरे पास, सेलेनॉक्साइड बनेगा, तो उसे बना लेते हैं। इस पर्टिकुलरली मेरे पास बनेगा सेलेनॉक्साइड। अबाउट द प्लेन, सेलेनियम पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ जुड़ा है पीएच। यहाँ पे डॉटेड पे आपके पास जोड़ना है दिस वन, ये आपका कार्बोनिल, दिस पर्टिकुलरी, और यहाँ पे अबव द प्लेन ओएमए। अब सेलेनॉक्साइड क्या करता है, हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है। अब ये कहाँ से हाइड्रोजन, इसी की विसिनिटी में, इसी की साइड में जो प्रोटॉन्स है हाइड्रोजन है। तो देखिए ये आपका कार्बन वन, कार्बन टू के ऊपर दो हाइड्रोजन रहेंगे एच अबव, और एक रहे एच रहेगा अप। तो ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इस एच को गेन करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इससे क्या होगा आपका दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे अटैक, और ये सेलेनियम पूरा का पूरा डिटेच। तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन वन एंड टू के बीच में आप डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसी से आपको कहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की ये रिएक्शन है। ये आपका दिस वन, ये आपका डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड होने से जो आपका दिस साइड चैन था वो प्लानर हो गया, ओके दिस, और यहाँ पे आपके पास ओएमई। तो यहाँ पे ऐसे देखिए जहाँ पे वन एंड टू के बीच में डबल बॉन्ड हो, ऐसा ऑप्शन देखिए, वन एंड टू पे डबल बॉन्ड और वन के ऊपर आपका साइड चैन देखने को मिला। ऑप्शन अगर मैं कंपेयर करूँ, ऑप्शन को कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है, वन नंबर ऑप्शन में डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, वन एंड टू नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया। टू नंबर ऑप्शन में वन एंड टू कार्बन पे डबल बॉन्ड है और वन के ऊपर सब स्टूडेंट, तो यही राइट आंसर है, ओके। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। थ्री के अंदर डबल बॉन्ड अलग दे रखा है, फोर में डबल बॉन्ड है लेकिन सब स्टूडेंट की पोजिशन अलग हो गई, आपका टू नंबर ऑप्शन राइट है। 40 के बाद हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में आपको पूछा है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड क्या रहेगा। ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन सॉरी मतलब मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल वन टू थ्री एंड फोर, इनमें से कौन सा एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा। देखिए जो आपका एल्डिहाइड रहता है, दिस पर्टिकुलरली एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज रहेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, और इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिस कहलाता है, जो आपका कार्बन है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इसके जो कह सकते हो कि नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो आपके हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, इसलिए मैं इसे कह सकता हूँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। तो यह आपको बस मॉलिक्यूल में देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो आपका लेस रिएक्टिव होगा, ओके। अगर मैं पहले मॉलिक्यूल की बात करूँ फर्स्ट, तो इसमें आपके पास ये पूरा का पूरा सब स्टिट्यूएंट दे रखा है, यानी कि पैरा मैथिल टॉलविन आपके पास टाइप का दिखेगा ये यानी इसमें दिस। फोर्थ नंबर मॉलिक्यूल में ऑर्थोमैथिल आपका बेंजीन CHO के साथ अटैच्ड है, तो अगर मेथाइल पास में है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली आपको यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली पूरे के पूरे CHO को डोनेट कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में फोर नंबर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा हाई है। अगर मैं पैरा वाले की बात करूँ तो इसमें हाई है, पैरा वाला भी देता है, मेटा वाला
कम देता है, ऑर्थो एंड पैरा रिलेशन ज़्यादा रहता है, मेटा कम रहता है, तो इसमें भी हाई है लेकिन उतना नहीं। लेकिन मैं विदाउट सब स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग की बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ बेंजीन के कारण ही है, तो बेंजीन भी क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग रहता है समथिंग। तो टू नंबर का मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई मिथाइल सब स्टिट्यूएंट नहीं है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी, यानी टू नंबर का मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव रहेगा। तो रिएक्टिव कौन रहेगा, रिएक्टिव ऑर्डर अगर मैं लिखूँ तो जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है टू नंबर का मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू मेटा। मेटा में एक मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है मेटा पोजिशन पे, मेटा वाला नेग्लिजिबल मतलब डोनेट करता है, तो ये थ्री नंबर का मॉलिक्यूल। और अगर मैं वन एंड फोर का रिलेशन करूँ तो जो पैरा जो कि दूर है आपका वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम देगा तो वन एंड फोर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, वन नंबर इज मोर रिएक्टिव देन फोर, इतना याद रखिए। वन एंड फोर में वन इज मोर रिएक्टिव देन फोर, तो लास्ट में लिख दीजिए वन इज मोर रिएक्टिव देन फोर, आपके पास ये रिलेशन बन गया। तो ये रिलेशन किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर टू के साथ, दिस ऑप्शन नंबर टू। अब आपके पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि टर्शरी कार्ब कैटायन जो रहता है मोर स्टेबल रहता है सेकेंडरी कंपेयर टू प्राइमरी। आप इन सभी में टर्शरी कौन है, टर्शरी आपका ये वाला दे रखा है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, सेकेंडरी है ये, थर्ड आपका सेकेंडरी है एंड फोर्थ प्राइमरी है और फर्स्ट टर्शरी है, तो आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ही राइट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में भी पूछा जाए लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें आंसर क्या है। क्वेश्चन 43 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियन, अगर कार्बेनियन की बात आती है तो जस्ट उल्टा हो जाता है। कार्बेनियन में क्या बोलते हैं हम कि प्राइमरी कार्बेनियन इज मोर स्टेबल, आप बोल सकते हो प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन आपका रहेगा सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर बेंजिलिक की पोजीशन में आ जाएगी, बेंजिलिक कार्बेनियन की अगर की मैं बात करूँ, कार्बेनियन की बात करूँ, तो उसमें आपका जो सेकेंडरी बेंजिलिक कार्बेनियन है वो मोर स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं देखिए पहले नंबर का मॉलिक्यूल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, पूछा है क्वेश्चन को सही से रीड कीजिए, ये पूछा है लीस्ट स्टेबल। तो बेंजिलिक कार्बेनियन जो है उसमें आपका प्राइमरी प्लस बेंजिलिक मोर स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये तो आपका प्राइमरी प्लस बेंजिलिक कार्बेनियन है, बेंजिलिक तो मोर स्टेबल रहेगा। अगर इसकी बात करूं मैं थ्री नंबर मॉलिक्यूल को, तो थ्री नंबर मॉलिक्यूल समथिंग ऐसा है, दिस ये नेगेटिव चार्ज, ये आपका क्या बन गया, ये एरोमेटिक सिस्टम बन गया। एरोमेटिक सिस्टम तो मोर स्टेबल होता ही है, 6 pi इलेक्ट्रॉन बन गया तो मोर स्टेबल है, ओके। तो थ्री नंबर का मॉलिक्यूल भी मोर स्टेबल है। फोर नंबर का मॉलिक्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसके दोनों साइड पीएच ग्रुप है, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज दोनों साइड स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि लेफ्ट में भी स्टेबलाइज हो रहा है और राइट में भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो राइट में भी स्टेबलाइज हो रहा है मीन्स फोर्थ भी आपका मोर स्टेबल है। लेकिन जो सेकेंड नंबर का मॉलिक्यूल है, अगर मैं सेकेंड नंबर की मॉलिक्यूल की बात करूँ तो वहाँ पे आपके पास बेंजिलिक पोजीशन तो है, बेंजिलिक के साथ सेकेंडरी पोजीशन भी दे दी, इस कंडीशन में टू नंबर का मॉलिक्यूल लीस्ट स्टेबल हो गया, क्या हो गया लीस्ट स्टेबल, तो ऑप्शन नंबर ये रहेगा आपका लीस्ट स्टेबल। अब लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 44 है इस लेक्चर का वो देख लेते हैं, सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो सर्कल दे रखा है वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए पहला चीज यहाँ पे कंसेप्ट फर्स्ट याद रखिए, कंसेप्ट फर्स्ट जो भी है हाइड्रोजन अटैच टू हिट्रो एटम, हाइड्रोजन अटैच्ड टू हिट्रो एटम इज मोर स्टेबल, इज मोर एसिडिक, स्टेबल नहीं
acidic, is more acidic, is more acidic. तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के साथ, यहां पे H अटैच्ड है, यहां पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. अब ये अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक अल्कोहल है. अल्कोहल भी कैसा है, इस पूरे की बात करूं तो ये टर्शियरी अल्कोहल आपको दिखाई दे रहा है, टर्शियरी अल्कोहल. और हमें पता है कि टर्शियरी अल्कोहल लीस्ट एसिडिक रहते हैं. ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलेट है. कार्बोक्सिलेट, और मुझे पता है कि कार्बोक्सिलेट के एच मोर एसिडिक होते हैं. ये अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे जो प्रोटॉन है वो किसी हिट्रो एटम के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो एसिडिक तो है लेकिन उतने एसिडिक नहीं है. ऑप्शन नंबर 3 के जो प्रोटॉन है, दिस वन, उतने एसिडिक नहीं है जितने कि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए प्रोटॉन्स रहते हैं. तो इस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड के ओ, यानी ये आपका जो बनेगा ये प्रोटॉन जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, मोर एसिडिक रहेगा. तो ऑप्शन 2 आपका रहेगा राइट आंसर. सर्कल रिप्रेजेंट मोर एसिडिक हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट. तो ऑप्शन 2 को मैंने करेक्ट रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ऑप्शन 2 आपका रहेगा इसके अंदर. तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. इस लेक्चर के अंदर हमने कितने क्वेश्चन स्टडी किए, क्वेश्चन नंबर 31 से, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 44 तक स्टडी किए. 43 नहीं, ये मे बी जस्ट वन मिनट, हमने 44 क्वेश्चन स्टडी किए, क्वेश्चन नंबर 44 तक. तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं. आई होप आप सभी की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. वंस अगेन हैव अ नाइस डे.